हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है और दिवाली के त्यौहार में हम लोग तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के स्नैक्स बनाते हैं घर में। और उस स्नैक्स में हम लोग गुजिया ज़रूर बनाते हैं। गुजिया तो बहुत ही फेमस है दिवाली में, और होली में गुजिया हम ज़रूर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम गुजिया बनाते हैं, तो देखते हैं गुजिया कैसे बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया था 1 लीटर फुल क्रीम दूध, उसको हमने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है दूध को। और देखिए खोया बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हमने नारियल का बुरादा मिक्स किया है, आधा बॉल हमने इसमें नारियल का बुरादा डाल लिया है। अब इसमें हम डाल लेंगे चीनी। तो चीनी हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, 3 चम्मच चीनी हम डाल लेंगे। तो चीनी भी हमने डाल लिया है, ये देखिए। और इसमें हम डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स, अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस को यहाँ पे हमें बंद कर लेना है, क्योंकि गैस को हम अगर ऑन रखेंगे तो चीनी पिघल जाएगी और फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत देरी से सुखाना पड़ेगा। तो गैस को यहाँ पे हमने बंद कर लिया है और यहाँ पे हम डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, और इलायची का पाउडर भी ज़रूर डालें, इलायची का पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक बर्तन में हम निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए, तब तक फिर हम आटा गूंदेंगे। तो चलिए तैयार हो गया है फिलिंग। तो यहाँ पे ले लिया है हमने मैदा, मैदा में हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है ऑन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम भून लेंगे, आटा तैयार कर लेंगे। और आटा तैयार करने के बाद आटा को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है आटा का, चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं गुजिया। गुजिया का अलग अलग नाम है, हर जगह पे इसका अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे बिहार में परकिया बोलते हैं, यूपी में गुजिया बोलते हैं, और मुंबई में इसे करंजी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, आप इसका नाम बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। तो आज हम बिना सांचे का गुजिया बना रहे हैं फ्रेंड्स। सांचे आज तो नहीं है मेरे पास, तो बिना सांचे का कैसे गुजिया बनाना है घर का, तो मैं आज आपको बताऊँगी। तो इस तरह से हमें पतला बेल लेना है। ये जो प्लेटफॉर्म है हमने बहुत अच्छे से साफ कर लिया था, और एक गिलास की सहायता से, देखिए एक स्टील का गिलास लिया है हमने, और इसे हम गोल गोल काट लेते हैं। देखिए अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो फिलिंग हमने तैयार करके रखा हुआ है, ऐसे हम हाथ में ले लेंगे। और इसका साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपको बड़ा गुजिया बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा और ग्लास लें, उससे आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे साइड में हमने पानी लगा लिया है, पानी से इस तरह से हम चिपका देंगे इसका दोनों मुँह पकड़ के। तो दोनों भाग पकड़ के इसको देखिए हमने चिपका लिया है इस तरह से। अब इसको हम साइड से ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सांचा में बनाया है उस तरह का शेप आ जाएगा इसमें। ये लीजिए, एक गुजिया रेडी है। इसी तरह से हमें सारा गुजिया बना लेना है। गुजिया बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको पसंद आता है, बच्चों हैं या बच्चे हों या बड़े, सबको ही पसंद आते हैं गुजिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दोनों साइड से पहले चिपका लेना है, उसके बाद किनारी को पकड़ के फोल्ड करते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है ये गुजिया बनाने का। तो गुजिया हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, चलिए कढ़ाई को गर्म करते हैं। यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डाल लेंगे गुजिया तलने के लिए।
और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, तेज आंच पे, गुजिया अच्छे से पकेगा नहीं अंदर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुजिया इस तरह से रेडी हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं, एकदम फ्राई हो चुका है ये। और चलिए अब इसका हम गार्निशिंग कर लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट में सजा लिया है यहाँ पे, और कुछ गुलाब की पत्तियाँ लिए हैं हमने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुजिया एकदम रेडी है। जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए दिवाली में, आप इस तरह से सजा कर उन्हें सर्व कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।